ऑटो इम्यून कंडीशन। जी हाँ, वट इज ऑटो इम्यून कंडीशन, क्या है ऑटो इम्यून कंडीशन, क्यों होती हैं, पीछे क्या है, उसका रूट कॉज क्या है और इसकी हैंडलिंग क्या है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अब ऑटो इम्यून को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझनी है कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो हम वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे इम्यून सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो किससे फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से, टॉक्सिन से या फॉरेन मैटर से। जैसे बोन मैरो है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये फॉरेन मैटर या टॉक्सिन या कुछ इन्फेक्शियस चीजों से लड़ते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे सांस से, टच से, खाने से कोई गलत चीज अंदर गई जाती है, हमें पता भी लगता, हमारे अंदर एक आर्मी है, वो उसको अटैक करके मार देती है। ये है इम्यून सिस्टम। तभी कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम लो है, कुछ लोग कभी बीमार नहीं होते, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अब दूसरी चीज आगे, ऑटो इम्यून, ये क्या है? ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये हेल्दी सेल्स को भी अटैक कर देता है। जो ऑटो इम्यून हो जाती है वो क्या है, इम्यून सिस्टम चला लड़ने गया, लड़ता ही रह गया, उसने अच्छी चीज को भी मार दिया। जो चीज हमारी बॉडी के लिए, जो सेल्स हेल्दी थे उनको भी अटैक कर दिया, तो कंडीशन ऑटो इम्यून बन जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपको समझने के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये क्या है, ये कंडीशन है जिसमें आरए भी बोल देते हैं लोग, जॉइंट्स स्पेशली हैंड्स और फीट के जॉइंट्स को अटैक कर देती है बॉडी खुद, तो उनको आरए हो जाता है, तो आर्थराइटिस हो गया। ये वाला जो आरए वाला आर्थराइटिस है, ये वाला ऑटो इम्यून कंडीशन है। दूसरी चीज लूपस, आपने सुना होगा, ये स्पेशली टिश्यूज को अटैक करता है। अब टिश्यू कहाँ कहाँ पे बॉडी में, जॉइंट्स में टिश्यूज हैं, स्किन भी टिश्यू है, किडनीज में भी टिश्यू है, ब्रेन के भी टिश्यू है, हार्ट के भी टिश्यू है, लंग्स के भी टिश्यूज हैं। तो अगर लूपस है जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो किडनी, जॉइंट्स, स्किन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो लड़ाई उसी के अच्छे सेल्स को मार सकती है। ठीक है, सीलिएक जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जो कि लोग बोलते हैं कि कनक से एलर्जी हो गई, गेहूं से एलर्जी हो गई, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगली चीज, एक सिंड्रम है ड्राई आईज या माउथ सिंड्रम, उनकी आंखें लोगों की ड्राई रहती हैं, मुंह में थूक नहीं रहता, ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो टीयर और स्लाइवा बनाने वाले ग्लैंड हैं, हमारे ग्लैंड हैं, यहाँ पे ग्लैंड है जो टीयर आंसू बनाते हैं, और हमारे पीछे ग्लैंड है जो मुंह में स्लाइवा बनाते हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय करने वाली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आप सबने सुना होगा MS, है ना, ये क्या है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, नर्व्स को डैमेज करती है, तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने पूरे नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करने लग गया। इसमें क्या क्या होता है, ये बॉडी की ना कम्युनिकेशन है, ब्रेन की और बॉडी की आपस में कम्युनिकेशन है, ये उसको डिसरप्ट, तोड़ देता है, काट देता है, तभी थकावट, बॉडी में एनर्जी नहीं, MS आ गई। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 में क्या है, बेटा सेल्स हैं हमारे यहाँ पे पैनक्रिया के बीच, ये उसको हेल्दी सेल्स और बॉडी को चाहिए, तो समझ आइए बॉडी में कोई गलत सेल आया, गलत चीज आई, उसको मारने के लिए है इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, वो क्या कर रहा है, अच्छी चीज को भी मारने लग गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के, ये लिस्ट पूरी नहीं है, मगर एग्जाम्पल देने के लिए कि बेटा सेल्स है हमें चाहिए, पैनक्रिया के सेल्स हैं हमें चाहिए, मगर ऑटो इम्यून इम्यून सिस्टम उसको ही मार चुका है। स्किन हमें चाहिए, मगर एक कंडीशन ऐसी हुई, इम्यून सिस्टम ने स्किन को ही अटैक करना शुरू कर दिया, तो हेल्दी जगह में अटैक हो रहा है इम्यून सिस्टम, एक तरह से बोलिए कि दोस्त को दुश्मन बोल के उसको मारने लग गया। ठीक है जी, अब आएंगे इसके कॉजेस, इसके कारण क्या है। पहली चीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, आपको हमेशा इन्फेक्शन चलती जा रही है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ऑटो इम्यून में ले जाएगा। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन है सोजस या दर्द, अगर वो भी है उस केस में भी आपकी बॉडी ऑटो इम्यून कंडीशन में चली जाएगी। अगली चीज, डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, या फिर काम ही नहीं करता, वो भी आपको ऑटो इम्यून कंडीशन में ले जाएगा। तीसरी चीज, बहुत ही लो वाइटामिन डी रहना बॉडी में, अगर आपका वाइटामिन डी बहुत लो है, ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे बहुत बादल वाली जगह है, ठंडी जगह, जहाँ लोग बाहर नहीं निकलते, धूप बिल्कुल नहीं लेते, वहां पे ये वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो बहुत पाया जाता है। मगर आजकल इंडिया में भी लोग अंदर ही अंदर बेसमेंट में काम कर रहे हैं, पूरे कपड़े डाल लेते हैं, धूप लगने ही नहीं देते, रंग काला हो जाएगा, इस चक्कर में विटामिन डी बहुत लो हो जाता है, उससे क्या होता है, ऑटो इम्यून हो जाता है। अगली चीज, गट इन्फ्लेमेशन, हमारी आंतरों में इन्फ्लेमेशन, ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जिससे क्या होता है, हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।
अगली चीज वर्म्स, जी हाँ कीड़े, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। अगर आपकी बॉडी में पैरासाइट्स हैं, वो देखिए वो तो फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारी बॉडी का अपना मैटर नहीं है, उसको अटैक के चक्कर में वो तो मरना है, बॉडी अपने आप को अटैक करने लग गई, तो ये भी क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है फॉरेन मैटर, ये भी एक चीज है, कई लोगों को नहीं पता, उन्होंने रूट कनाल करवाई, जो मटेरियल डाला गया उसकी क्वालिटी या उसकी जो चीज थी वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो बॉडी ने उससे लड़ने के लिए क्या करेगी, इम्यून सिस्टम, तो ऑटो इम्यून सिस्टम चल पड़ा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। कई लोगों को पुराने टाइम में दांतों में फिलिंग मरकरी की जाती थी, अब मरकरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कई लोगों ने, मेरे पास स्पेशल केस है, उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया, सारा बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड हो गया, क्यों, जो डाला गया जो मैटर, बेसिकली मेटल है जो डाला, वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उससे क्या हुआ, बॉडी फॉरेन मैटर से हमेशा बॉडी इम्यून सिस्टम के साथ लड़ाई करती है। तो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे, रूट कनाल्स, नी सर्जरी, उल्टा सीधा मैटर डाल दिया उन्होंने, ठीक है, एनीथिंग जो बॉडी के लिए फॉरेन है, फॉरेन समझते हैं वहां का नहीं है, उल्टी चीज है, वो बॉडी क्या करती है, उसको इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिन लोगों को किडनी डोनेट की जाती है, किसी और की किडनी लेते हैं, वो इम्यून सप्रेसेंट्स खाते हैं, क्यों, उस बॉडी के लिए वो किडनी उस बॉडी की नहीं है, क्योंकि किसी और बॉडी से लाए हैं, ये बॉडी उस किडनी को मार देगी, तो उसको ना मारने देने से हम क्या देते हैं, इम्यून सप्रेसेंट्स। तो ऐसे ही अगर आपके कोई चीज डाली गई बॉडी में ऑपरेशन करके और आपकी बॉडी को वो फॉरेन लग रही है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अगली चीज, अब इसकी हैंडलिंग क्या है, क्या किया जा सकता है, इसका तो एक ही इलाज है, पहले तो उसे पता हो राइट सप्लीमेंट्स कौन से हैं उस कंडीशन के लिए। अब एमएस है, हमें पता है बी कॉम्प्लेक्स और बी वन थायामिन, जो कि बी कॉम्प्लेक्स में होता है मगर अलग से, और उनको एक चीज और चाहिए होती है जो कि है बेनफोर्टमिन, वाटर्स सॉरी फैट सॉलेबल बी वन। तो कौन सी कंडीशन है, उस हिसाब से राइट सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, डिपेंड करता है क्या है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें क्या चाहिए, कोलेजन, क्योंकि कोलेजन को तो बॉडी खा रही है, तो इसको सिखाएंगे आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बोलते हैं डीकॉय मैकेनिज्म, कि कोई झूठी चीज भेज दो, इम्यून सिस्टम उससे लड़ने लग जाए, बाय द टाइम हम रिपेयर कर लें, मगर उससे पहले वाइटामिन डी और वाइटामिन सी हाई डोजेज में देना पड़ता है जिस किसी को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्यों, वाइटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को सही करता है, उसको मॉडरेटली, उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, बड़ा है तो कम कर देगा, कम है तो बढ़ा देगा। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अब ये जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की डीकॉय मैकेनिज्म, डीकॉय मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास एक केस है, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने किसी को हैशिमोटोस था, हैशिमोटोस में क्या होता है, थायराइड पे ही अटैक हो गया, तो क्या है, बॉडी ने थायराइड के सेल्स को दुश्मन करार कर दिया। अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मगर मैंने स्टडी सुनी है, देखी है, कारगर है। उन्होंने पिग के थायराइड का डाइसेक्शन करके ना उस केस को देना शुरू कर दिया, बाय द टाइम देवर हैंडलिंग द केस। इंटरेस्टिंग इनफ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किससे लड़ने लग गया, जो ओरली पिग का थायराइड उन्होंने डाइसेक्ट किया हुआ था, वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये इसका सिस्टम ऐसे है, मैं बताता हूं इसका तरीका है। जिन लोगों को ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस खत्म होने लग गई, उनको कोलेजन दे दो, उनके घुटने दर्द होने बंद हो जाते हैं, क्यों, ये डीकॉय मैकेनिज्म है। अब जो इम्यून सिस्टम घुटने के कोलेजन को खा रहा था, वो किसको खाएगा, जो कोलेजन आप पी रहे हो ले रहे हो, तो वो लड़ने लग गया उस कोलेजन से, बाय द टाइम आपको रिपेयर का टाइम मिल जाता है। तो ये होता है, मगर जैसे मैंने बोला राइट सप्लीमेंट्स, कंडीशन देख के पता लगता है क्या कंडीशन है बंदे की, और डीकॉय मैकेनिज्म भी तब यूज किया जा सकता है। कौन सा वाला, ये तो थोड़ी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है ना, कौन से वाली प्रॉब्लम है, उसकी क्या कंडीशन है, और इन इनसे भी ज्यादा हैंडलिंग क्या है, राइट डाइट। अगर आपकी डाइट खराब है, आपका ऑटो इम्यून बढ़ता जाएगा। अब लेट्स से आपको डायबिटीज है, आप कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी खा रहे हैं, नहीं कुछ हो सकता, केस खराब हो जाएगा, क्योंकि दवा भी नहीं कुछ कर पा रही, बेटा सेल्स और मर गए। तो इन सबसे ऊपर सबसे पहले करेक्ट डाइट, जिसका मैं अपने आप को अच्छा चैंपियन मानता हूं, क्यों, मेरा काम ही सिर्फ खाने से है, लाइफस्टाइल से है। तो अगर आप चाहते हैं, आप हेल्दी होना चाहते हैं, आपको सबसे पहले डाइट पे काम करना पड़ेगा। वो डाइट कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कब खानी चाहिए, उसका हम प्रोग्राम बना सकते हैं, और या फिर आप मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि डाइट कैसी होनी चाहिए। सारा काम यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये क्या है,
ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। किसी ना किसी तरीके से या तो फॉरेन मैटर आ गया आपकी बॉडी में या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसकी हैंडलिंग कोई और कोई हैंडलिंग नहीं है। सबसे पहले करेक्ट डाइट, उस कंडीशन के हिसाब के अच्छे सप्लीमेंट्स, हाई विटामिन डी और सी अगर आप ले सकते हैं, और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। स्ट्रेस नंबर वन कारण है बहुत सारी बीमारियों से शुरू होने का और उसको बढ़ाने का। तो आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इसमें लंबी वॉक्स और नेगेटिविटी से दूर, ये ऑटोइम्यून कंडीशंस को आप खुद ब खुद रिवर्स कर सकते हैं। एंड जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, किसी की भलाई हो सकती है, किसी के अच्छा काम आ सकती है। और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुँच जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं YouTube लाइव्स करूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन तब पहुँचेगी अगर आप मेरे YouTube के सब्सक्राइबर हैं और बेल आइकन दबाया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।